रायबरेली में लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर स्वीप योजना के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मैराथन रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसको मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में NCC, स्काउट, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पुलिस कर्मियों सहित स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। यह मैराथन रेस मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों, पुलिस लाइन चौराहा, अस्पताल चौराहा, सुपरमार्केट, घंटाघर होते हुए GIC स्कूल पहुंची, जहां पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा सभी को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मौजूद लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। हम सभी लोग आज यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं। आज मतदाता जागरूकता के अंतर्गत यानी कि स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत यह कार्यक्रम कराया गया है। आज एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत करीब 2,500 से लेकर 3,000 व्यक्तियों ने और हमारे सम्मानित नागरिकगणों ने प्रतिभाग किया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।